सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ऑफ फाइनल नंबर। तो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो बाकी सब क्वेश्चन तो किए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्या थोड़ा सा नहीं किया हुआ था, और 14 नहीं किया हुआ है, तो वो भी आएगा, क्लियर है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, यहाँ भैया जी परेशान है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने में। चलो इसको देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। कंसेप्ट आपको पता है, नहीं पता तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसका थ्योरी देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट आपको कॉलेज में पढ़ाया गया होगा और वो आपको मुझे लगता है क्लियर होगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 में, इसमें कंसेप्ट क्या लगाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये ऑपरेटर डी का फॉर्म में है, तो इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, रूट्स देखेंगे। क्या करेंगे, डी इक्वल टू एम पुट करते हैं। मास्टर जी बोल रहे हैं कि अब डी इक्वल टू एम पुट कीजिए, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बनाइए और इसका रूट्स खोजिए। अरे सर, इसका रूट्स खोजना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि ये क्या है, चार पार्ट में है, m^4। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये देख के थोड़ा सा आपको सकता है दिमाग में अच्छा लगे कि हाँ इसका रूट्स मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग समझें कि इसका रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। ये हीट एंड ट्रायल मेथड से करना है, ठीक है, ट्रायल एरर मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड जो भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड से करना, अगर वो तुक्का लग गया सही है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते चलना, ठीक है। जो आपने बचपन में किया हुआ कि देखो, अगर इसका फैक्टर निकालना है तो सिंपली क्या करते हैं, 1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं, ये सब पुट करके क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मैंने पुट किया, अगर हम 1 पुट कर -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो 4 का 4 ही रहेगा, डी क्यू में हो जाएगा क्या, +8, ठीक है। 7 dx करके क्या हो जाएगा, 7 ही रहेगा। 11d क्या होगा, -11 हो जाएगा, और ये +6 हो जाएगा। अगर आप इन सभी को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली अगर हम m इक्वल टू 2 पुट करते हैं, 2 पुट करने के बाद क्या होता है, 64 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 64, क्योंकि 4 3 जाती 2 8 8 जा 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 × 4 -28 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, +6। अब ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, 2 + 6 क्या हो जाएगा, 28, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 बराबर। तो हमने सिंपली क्या निकल गया, 2 रूट निकल गया, ठीक। अब कोई वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, फाइंड नहीं करते, वो क्यों सर, क्योंकि 2 निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड से सिंपली हम क्या कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो कैसे भला, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं हिंट दे दूंगा, वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर है। बस इतना सा ही क्वेश्चन में है, बाकी सब तो जो फॉर्मूला है वही है, ठीक। तो m इक्वल टू -1 और m इक्वल टू 2, ये 2 क्या है, फैक्टर है इक्वेशन के। तो इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर m के टर्म में क्या होगा, m के टर्म में इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, m+1 इंटू m-2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या, सिंपली इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना लिया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको आप मिलिटम फैक्टराइजेशन करेंगे और सिंपली आंसर निकाल देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको इससे डिवाइड जरूर कर लोगे, क्योंकि ये बच्चा वाला कंसेप्ट है, 9-10 का कंसेप्ट है, मैं यहाँ समझाने नहीं वाला हूँ, ठीक है, लंबा। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि इसको अगर आप इससे डिवाइड कीजिएगा, सिंपली आपका एक स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, जो मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा, क्लियर है। तो डिवाइड आपको खुद करना है, आंसर आपको पता है यहाँ पर, बस मेहनत आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है आपको डिवीजन, बस। तो इज द फैक्टर ऑफ एवरीथिंग, तो फैक्टराइजेशन का क्या हो जाएगा, देखो यही है मेन, ये था जो हम लोग खुद हाइट एंड ट्रायल से निकाले थे, और ये है क्या, हम डिवाइड करके निकाले थे। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, डिवाइड करके आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, तो आपका कंसेप्ट और मजबूत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। अब क्या करते हैं, सबको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, पर इसको हम लोग क्या करें, फैक्टराइज करना है। तो उसका मिलिटम फैक्टराइजेशन लिए क्या करेंगे, 4 3 जा होता है, 4 × -3 का तो -12 होता है, -12 को क्या करना है, 4m बनाना है, ठीक है। -12m को क्या करना, m क्या बनना है, 4m बनाना, ठीक है। तो -12m² को 4m बनाना है, तो कैसे बनाएंगे इसको बताओ, 6 2 जा कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा और देखिए इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए मास्टर जी बोल रहे हैं कि फैक्टराइजेशन होने के बाद क्या हो गया, ये वाला पार्ट, और इसका फैक्टराइज करने के बाद ये हो गया, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला था, ये वाला पार्ट बोला था, ठीक है। मिल्टन फैक्टराइजेशन बहुत बच्चा वाला चीज़ होता है, जो मतलब इंजीनियरिंग में घुस गए वहाँ तक तो आता ही है, ठीक, उम्मीद करता हूँ मैं। यहाँ ये वाला पार्ट हो गया, अब यहाँ से क्या करेंगे, 2m कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे, तो 2m+1 का आ गया, 2m-3, क्लियर है। एक स्टेप मैंने जंप किया, लोग खुद वो स्टेप कीजिएगा, ठीक, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं, m की वैल्यू निकालते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। वी नो दैट इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट दैट सॉल्यूशन इज कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, दैट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल।
But here only complementary function has to be find because in the right hand side there is no function. So particular integral can't be found. Okay? So then y equal to cf is the only solution. यहाँ पर मास्टर जी क्या बोल रहे हैं m1 m2 क्या निकल रहा है आपका m1 माइनस वन m2 टू m3 3 बाई टू m4 माइनस वन बाई टू क्लियर है इतना सा ठीक आसान समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान है ठीक है अब क्या करेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो फॉर्मूला था उसमें पुट करेंगे निकल जाएगा हमारा आंसर तो ये रहा हमारा आंसर इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है क्लियर है बातें हाँ बुक में जो आंसर है उससे हो सकता है वो कुछ कन्फ्यूजन हो तो एक सेकेंड वेट कीजिएगा मैं दिखाता हूँ बुक का आंसर आप तो बुक में क्या किया गया देखिए कम्प्लेक्स फंक्शन निकाल के किया गया है मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ मैंने इसे डिवाइड किया तो मुझे यही निकला ठीक है तो मैंने मुझे यही मिला है अगर आपको लगता है कि बुक ये मेरा गलत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बुक का गलत है तो क्या कीजिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सावधानी से क्वेश्चन बनाइएगा ये नहीं कि बुक के चक्कर में आप लोग सोचिए कि खुद गलत है तो मैं भी बहुत बार पहले कन्फ्यूज होता था लेकिन देखा कि मैंने कुछ कुछ आंसर बुक में गलत हैं तो प्लीज़ उसको ठीक कीजिएगा खुद से ठीक है कॉन्फिडेंस अपनी लूज नहीं तो चलो इस वीडियो का एंड करते हैं 6 मिनट का वीडियो सिंपल कोई भी देख लेगा आसानी से समझ में आ गया वो कंसेप्ट और ये का आंसर क्या 40 नंबर क्वेश्चन तो 40 नंबर क्वेश्चन करेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो हम लोग देखेंगे ठीक है तो समझ में आ गया आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी चलो इस वीडियो का एंड करते हैं तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए धन्यवाद।